क्लास 12th में इकोनॉमिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट है और आप सीयूईटी 2025 के लिए अपेयर होने वाले हैं, जहां आपका सपना है आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन, लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक्स के पेपर से होकर गुजरना होगा। तो यानी इको का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं सीयूईटी का, सो आप सही चैनल पे आ चुके हैं। एंड ये सही वीडियो आपके लिए है अगर आपने फ्राइडे को जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी वो देखी है और टेलीग्राम से जाके डाउनलोड किया पीडीएफ, क्योंकि आज हम उसके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इको वॉइस क्लासेस। मैं हूँ सुरभि, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हाय वेलकम। एंड अगर आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो ये चैनल आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है, रेलिवेंट लगेगा। सो आई होप यू एंजॉय द कॉन्टेंट। प्लीज और भी वीडियोज देखिए ताकि आपको मजा है। एंड फटाफट से अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज हम सीयूईटी के असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशंस पे। सो पहला क्वेश्चन था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस इंपैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो व्हाट इज ट्रू गाइस, आई होप यू हैव रेड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड क्या ट्रू है ये देख लेते हैं हम। सो एयर पोल्यूशन ओनली अफेक्ट्स द एल्डरली पॉपुलेशन, ओनली अफेक्ट्स, पहले मैं तो इसको गलत बोल दूंगी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन कैन अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, लीडिंग टू अ लेस प्रोडक्टिव फ्यूचर वर्कफोर्स, राइट। बट ऑलवेज वी स्टिल रीड ऑप्शन नंबर सी एंड डी कि वो क्यों गलत है। हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी, इज इट? नो। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज लिमिटेड टू इंक्रीज हेल्थ केयर एक्सपेंसिस and not on overall economic growth. No, it's not true. So option number B is correct. And मैं आजकल ना एक केस स्टडी एग्जाम्पल कोट कर देती हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये किसी और फॉर्म में, आप क्लास 12th में, आप बोर्ड देने जा रहे हैं और किसी और फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो भी आपको हेल्प कर दे आंसर राइटिंग में, मेंशन करोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलता है। सो इस स्टडी कंडक्ट की थी चाइना में, जहाँ पे पता चला कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जब होता है हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन का, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होते हैं कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर्स में अमंग चिल्ड्रन। ऑल राइट, देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक थ्योरी सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग रिसेशन? दिस इज सिंपल, केन्जन इकोनॉमिक्स, ठीक है? केन्जन इकोनॉमिक्स से वाली बात करती है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये दी थी। वो बोलते हैं एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा के काफी हेल्प करती है। देन आपको ग्रेट डिप्रेशन के टाइम भी देखने को मिला था, इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है वो। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, विच इकोनॉमिक प्रिंसिपल सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? ये कौन सा फिनोमिना कहता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट को इंटरवीन, क्योंकि अगर होगा मार्केट फेलियर हो जाएगा, करेक्ट? मार्केट फेलियर कब होता है? व्हेन मार्केट डज नॉट एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, राइट? सो मार्केट फेलियर का फिनोमिना, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ओके, ये आर्टिकल में नहीं किसी में डिस्कस हुआ है, सो आपको बस इतना देना है और आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, राइट? सो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड रिड्यूस स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स। ये काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी होती है कि जब इकोनॉमिक बूम हो रहा है तो अपनी स्पेंडिंग कम कर दो, और जब दिक्कत हो रही है इकोनॉमी रिसेशन में है तो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दो, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है? गिफन गुड इज एन इंफीरियर गुड वेयर इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। देन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड, यस। एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, ठीक है? सो इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम ऑलवेज लीड्स टू, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट ना डाउटफुल है हमें, तो मेरे हिसाब से ए बी एंड सी होना चाहिए। बट नॉर्मल गुड के केस में तो इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज होती है गाइस, सो आई विल हैव टू चेक द ऑप्शन बिकॉज आई फील ऑल आर ट्रू, क्योंकि गिफिन गुड भी एक तरीके का इंफीरियर गुड ही होता है, जस्ट दैट गिफिन गुड प्राइस चेंज प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव एंड इंफीरियर गुड इनकम और क्वांटिटी यानी गुड का इंक्रीज होता है, कि प्राइस इनकम बढ़ने पे नॉर्मल गुड तो इंक्रीज होता है डिमांड, लेकिन इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो ये रिलेशनशिप होता है, ये आपका इंफीरियर गुड का होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स होल्ड ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, आई वोंट रीड द एक्सप्लेनेशन, फॉर मी आई थिंक द ऑप्शंस इटसेल्फ आर लिटिल थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि आई थिंक ऑल फोर ऑफ देम आर ट्रू।
ओके देन अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंसेस. सो डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुई थी गाइस? 2016 में. ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड बैंकरप्सी कोड. सो देख लो सबसे पहले क्या आया था आपका. एनईपी आया था 1991 में. ईयर लिखते जाते हैं, एनईपी आया था 1991 में. उसके बाद बैंकरप्सी कोड आपका आया है 2016 में. डिमोनेटाइजेशन हुआ है 2016 में ही, बैंकरप्सी कोड है. और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में आया था. ठीक है, सो फॉर श्योर अब मुझे दो दो चीजें 2016 में हुई है. तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि पहले डी आएगा या पहले सी आएगा. तो आपको ये पता है कि बी और सी तो पहले है ही. अब ए और डी का देखना है, तो बी सी के ऑप्शन देख लो. ये तो ए की बन रहा है, सो बी सी ए डी. ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन. देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रधानमंत्री जनधन योजना इन 2014 टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल हाउसहोल्ड. अंडर दिस स्कीम ईच हाउसहोल्ड इज एंटाइटल्ड टू ओपन अ बैंक अकाउंट विद जीरो बैलेंस. ठीक है, और बाय 2021 स्कीम ने सक्सेसफुली ओपन करे 43 करोड़ बैंक अकाउंट. तो लोगों को बैंक अकाउंट ओपन होंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी. ऑब्वियसली आप फिर कहीं भी कुछ भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स ले सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट सीक्वेंस अरेंज करना है आपको. सो ये कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 2017, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, नीति आयोग 2015, एंड इसके अलावा क्या बचा आपका? 1995, ओके डब्ल्यूटीओ भूल गए हम, 1995 डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ ने गाइस किसे रिप्लेस किया था? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ठीक है, सो आपका करेक्ट सबसे पहले क्या आया था, सबसे अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट क्या है? सी, देन ए, देन डी एंड बी. सी ए डी बी है, दिख रहा है? यस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 3. सी ए बी डी क्यों बोला उन्होंने? हाँ, गलत है. ऑप्शन 3 करेक्ट है गाइस, देख लो ना, 2015 एंड 2017. ओके, देन डैश रिफ्लेक्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज सेव्ड रादर देन स्पेंट ऑन कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है इन्होंने, देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रू कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेन्स हाउ कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर एफिशिएंटली. यस दैट्स ट्रू. टैरिफ आर टैक्सेस इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ट्रू. कोटास रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कैन बी इम्पोर्टेड इन टू अ कंट्री, ट्रू. ट्रेड डेफिसिट्स ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन नेशन वेल्थ, नो. सो ए बी सी आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ए बी सी. ओके, सो आई होप दैट यू हैव सॉल्व द असाइनमेंट. एंड आपके कितने मार्क्स आए प्लीज कैलकुलेट करके बताना. मैं इसमें अभी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखती, 10 मार्क्स का ये असाइनमेंट होता है. तो 10 में से आपने इस बार कितने स्कोर किए, कितनी देर में, कितना टाइम लगा? सो प्लीज ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड आई सी यू टुमारो विद असाइनमेंट नंबर 3 गाइज, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दीज असाइनमेंट्स. डाउनलोड करनी है. एंड अगेन आई विल से कि मैं सोल्यूशन जो है इसका वो पीडीएफ मैं नहीं देती टेलीग्राम पे, ताकि आप ये वीडियोस देखें, लेकिन खाली क्वेश्चन वाला पीडीएफ मैं जरूर देती हूँ. टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में सारी मिलेगी. जो ना मिले उसके लिए मैं हूँ, कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.